हेलो स्टूडेंट्स, तो कुछ ख्याल है आज के दिन का? आज 21 मई है और ये दिन खास है, और आपके मन में इच्छा होगी ना जानने की कि आज का दिन खास कैसे है। तो ये हमारे देश के एक लोकप्रिय और सबसे युवा प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है। गेस करो, सोचो सोचो। मैं इनके बारे में कुछ बातें बताता हूँ। इनका संबंध गांधी परिवार से है। तो अगर बात करूं अभी की, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इनके बच्चे हैं, सोनिया गांधी इनकी वाइफ हैं, इंदिरा गांधी इनकी माता रही हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में। और राजीव गांधी के बारे में बताने का खास मतलब इसलिए है क्योंकि 21 मई 1991 में श्री पेरम्बुदूर नाम की जगह पर इनकी हत्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अब मृत्यु की तिथि मालूम है तो आपके मन में जन्म की तिथि भी जानने की इच्छा होगी। तो स्टूडेंट्स, इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को 1944 को मुंबई में हुआ था। तो अब तो काफ़ी सारी बातें स्पष्ट हो गई ना कि आज हम बातें करने जा रहे हैं हमारे देश के उस प्रधानमंत्री के बारे में जो 41 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, राजीव गांधी, है ना। इनका पूरा नाम था राजीव रतन गांधी। तो ये नेहरू जी के नाती थे, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बेटे थे, बड़े बेटे। इनका एक छोटा भाई भी था, छोटे भाई का नाम था संजय गांधी। तो आजकल के समय में जो आप मेनका गांधी की बातें सुनते होंगे, मेनका गांधी जी इनके छोटे भाई संजय गांधी की वाइफ हैं, और वरुण गांधी संजय गांधी और मेनका गांधी के बेटे हैं। तो कुछ खास बातों की चर्चा करूंगा मैं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बस 5 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ राजीव गांधी जी के बारे में। तो ये जवाहरलाल नेहरू के नाती थे, आप समझ सकते हो। ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे, 7th प्राइम मिनिस्टर। अब प्रधानमंत्री बनने की भी कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक्चुअली में इनका पॉलिटिक्स में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट था नहीं। ये तो एयरलाइन में पायलट की नौकरी कर रहे थे। उसके पहले इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के दौरान ही सोनिया, जो कि इटली की रहने वाली थी, उनसे इनकी दोस्ती हुई, उनसे इनका प्यार हुआ, और बाद में दोनों की शादी हुई। तो सोनिया गांधी जो कि इटली की थी, उनके साथ में इनकी शादी होती है 1968 में। और जैसा कि मैंने बताया कि ये पायलट की नौकरी कर रहे थे एयरलाइंस में, लेकिन 1980 में इनके छोटे भाई संजय गांधी, जो कि पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे अपनी माँ इंदिरा गांधी जी के साथ में, उनका एक एयर क्रैश में एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर उस समय 1981 में ये अपनी माँ इंदिरा गांधी की मदद करने के लिए एयरलाइन का पायलट का कैरियर छोड़ करके ये माँ की मदद करने को कांग्रेस में आए, पॉलिटिक्स में आए। ये पॉलिटिक्स में आने की इनकी कहानी है। अब इनके प्रधानमंत्री बनने की बात, तो 31 अक्टूबर 1984 में जब इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन हो गया, है ना, उनकी हत्या कर दी गई उनके अंगरक्षकों के द्वारा, बॉडीगार्ड्स के द्वारा, तो सोचो देश की स्थिति कैसी रही होगी, पार्टी की स्थिति कैसी रही होगी। तो उसके बाद इनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। आगे चल करके 1985 में इन्होंने एक संदेश यात्रा चलाई इस देश में, जो ये यात्रा कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के द्वारा चलाई गई थी, मुंबई से, कश्मीर से, कन्याकुमारी से, पूर्वोत्तर से, और ये यात्रा लगभग 3 महीने चली थी, है ना। राजीव गांधी को हम लोग किन बातों के लिए याद रखेंगे, तो हमारे देश के नव निर्माण में, है ना, आधुनिक भारत के विकास में इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। अब आज अभी मैं ये जो लेक्चर है ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे सामने में मेरा लैपटॉप खुला है। आप सब बच्चे मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, सबके स्कूलों में कॉलेज में कंप्यूटर है।
तो ये जो कंप्यूटर की क्रांति है, ये जो सूचना क्रांति है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, इसके जनक कहे जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। इन्हीं की वजह से हमारे देश में इंटरनेट के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में और टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन, ये जो टेलीफोन मोबाइल पर हम लोग बातें कर पा रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, तो राजीव गांधी जी को सूचना क्रांति और टेलीकॉम क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने हमारे देश में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत कराई, सूचना क्रांति की का सूत्रपात किया, टेलीकॉम इंडस्ट्री का सूत्रपात किया, ऐसा कह सकते हैं। कुछ और भी खास बातों का क्रेडिट इनके साथ जुड़ा हुआ है। अब जब मैं बच्चों के लिए किसी महान आदमी के बारे में बातें करता हूँ तो मैं ज़्यादातर उनके पॉजिटिव की भी बात करता हूँ, जिससे बच्चे कुछ सीख सकते हैं। तो सीखने की और क्या क्या बातें हैं, तो इन्होंने, इनके नाम पर एक क्रेडिट है कि इन्होंने स्वराज संस्थानों में, जो भी हमारे देसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने की शुरुआत इन्होंने ही शुरू करवाई थी। एक और भी इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल बहुत सारे यंग एज के बच्चे वोट देने जाते हैं, तो वोट डालने के लिए जो मिनिमम एज की लिमिट है वो अभी कितनी है, 18 ईयर्स, 18 साल। पहले ये लिमिट 21 ईयर्स की हुआ करती थी। तो वोट डालने के अधिकार को 21 साल से कम करा करके 18 साल कराने के अधिकार दिलाने का जो क्रेडिट है, ये भी राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता है। आजकल राजीव गांधी इसलिए भी याद किए जाते हैं कि उनके बेटे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को लेकर के काफ़ी एक्टिव हैं और पिछले साल में उन्होंने 6-8 महीने में लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा की पूरे देश में, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। तो आप जानते हो कि राजीव गांधी को भी इस तरह की यात्रा करने का बड़ा शौक था। 1990 में उन्होंने एक भारत यात्रा का कार्यक्रम रखा था, जिसकी शुरुआत उन्होंने चंपारण से की थी और ये यात्रा उन्होंने पैदल चल करके ट्रेन में सेकेंड क्लास में सवारी करके पूरा किया था। तो इस तरह के थे हमारे राजीव गांधी जी। आप अक्सर फोटोज में इनका चेहरा देखोगे तो बड़ा दिव्य व्यक्तित्व दिखता है, मुस्कुराता हुआ सा चेहरा, बड़ी बड़ी सी आँखें, बड़ा सा ललाट। तो आज हम लोगों ने राजीव गांधी जी के बारे में बातें की, उनको याद किया। हमारा देश उन्हें, उनके जन्म दिवस को अक्सर सद्भावना दिवस के तौर पर मनाता है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाता है। और आज संयोग से 21 मई है जब मैं ये छोटा सा लेक्चर राजीव गांधी जी की याद में बच्चों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, बच्चों को बता रहा हूँ कि हाँ, अगर आप एम्बिशियस हो, अगर आप देश सेवा करना चाहते हो और अगर आपको मौका मिलता है तो आप इनकी ही तरह काफ़ी कम उम्र में, युवा उम्र में, हाँ सोचो कि इन्होंने 41 वर्ष की उम्र में अपने देश के प्रधानमंत्री का पद निभाया था, कितनी बड़ी बात है। तो हमारा देश इन्हें याद करता है, हमारे देश ने इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। आगे चल करके और भी इसी तरह के महान विभूतियों के बारे में मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। मुझे लगता है कि आपको राजीव गांधी जी के बारे में ये सारी डिटेल्स जान करके अच्छा लगेगा। तो जल्दी ही इस तरह से देश के और भी महान विभूतियों, पॉलिटिकल लीडर, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में मैं आपको छोटी छोटी बायोग्राफी, जीवनी सुनाऊंगा। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।